बिहार में हूँ निवेदिता। ममता सरकार और बीजेपी सरकार की तनातनी से हर कोई वाकिफ है। सब जानते हैं कि कैसे ममता बनर्जी हमेशा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहती हैं और उसके बाद बीजेपी के लिए बंगाल में जिस तरह का माहौल है वो भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी नेताओं की हत्याओं से बंगाल में बीजेपी नेता सहमे रहते हैं, वजह सिर्फ टीएमसी है। ऐसे में टीएमसी अब हर जगह अपनी दादागिरी दिखाना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की सरकार को बता दिया है कि हर जगह उनकी दादागिरी नहीं चल सकती। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली निवासी एक महिला को कथित रूप से आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के लिए कोलकाता पुलिस ने समन भेजा था। इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि आम नागरिकों को सरकार की आलोचना के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि अगर राज्यों की पुलिस इस तरह से आम लोगों को समन जारी करने लग जाएगी तो ये खतरनाक ट्रेंड होगा। कल को कोलकाता, मुंबई, मणिपुर, चेन्नई की पुलिस देश के हर हिस्से से लोगों को समन भेजने जाएंगे, ये संदेश देने के लिए कि तुम बोलने की आजादी चाहते हो तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। ऐसे में न्यायालय को आगे बढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी होगी, जो कि संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत हर नागरिक को मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शिकायत करने वाली महिला के अधिकार की बात करते हुए कोलकाता पुलिस को कहा है, भारत में हर किसी को बोलने की आजादी है और हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में फ्री स्पीच की रक्षा करने के लिए हैं। संविधान ने इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य आम नागरिकों को प्रताड़ित न करें। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को सख्त चेतावनी दी है कि लाइन क्रॉस ना करें, भारत को एक आजाद देश बने रहने दीजिए। सरकार की आलोचना करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देश के नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया नहीं जा सकता, ये एक नागरिक के बोलने की आजादी के अधिकार को धमकाने जैसा है। आपको बता दें, कोलकाता पुलिस ने 29 साल की रोशनी बिस्वास के खिलाफ विशेष समुदाय को लेकर नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के काउंसिल आर बसंत ने कहा कि महिला से सिर्फ पूछताछ की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी के खिलाफ इसलिए केस नहीं चलाया जा सकता कि उसने लॉकडाउन के नियमों के ठीक से संचालित नहीं होने की बात कही। दरअसल रोशनी ने एडवोकेट महेश जेठमलानी के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने महिला को उक्त फेसबुक पोस्ट को लेकर कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने को कहा था, जिसमें उन्होंने राजा बाजार इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाए जाने पर ममता सरकार की आलोचना की थी। सर्वोच्च न्यायालय का इस पर रुख बिल्कुल साफ था। राज्य सरकार के वकील भरपूर कोशिश कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि महिला को पुलिस के सामने पेश होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आप उस महिला से कहना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत कैसे हुई, हम उसे समन के नाम पर देश के किसी भी कोने से घसीट सकते हैं। जब राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में माहौल ऐसे गर्माता गया तो राज्य सरकार के काउंसिल ने बीच का एक रास्ता सुझाया, जिसके मुताबिक कोलकाता पुलिस दिल्ली जाकर महिला से पूछताछ करेगी, इसीलिए महिला को जांच में सहयोग करने के लिए कहा जाए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। मतलब कि अगर ममता की तृणमूल कांग्रेस सरकार कोलकाता के अलावा बाकी सभी राज्यों में भी अपनी भौकाल स्थापित करने की कोशिश करेगी तो देश की सर्वोच्च अदालत इस पर ममता सरकार को जमीन दिखाने से गुरेज नहीं करेगी। ममता सरकार ने हालांकि रोशनी पर कार्रवाई की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी बिस्वास के हितों की रक्षा की। आपकी इस पर क्या राय है? इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को जानने के बाद आपको किसका पक्ष ठीक लगा? क्या इस तरह से ममता सरकार किसी भी राज्य में अपनी दादागिरी को अंजाम दे सकती है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के रुख से आप इत्तेफाक रखते ही होंगे। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए।